हाँ जी भाई लोग, तो मैं होप करता हूँ आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और व्लॉग विद जाट की न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो भाई लोग, आज है 7th of June और आज हम लोग जा रहे हैं बुलेट के बिलिंग के पेपर लेने के लिए। काफी लंबा प्रोसेस हो गया यार, काफी ज्यादा टाइम हो गया इन सब चीजों में, फिर कोरोना वोरोना का सीन, लॉकडाउन। अब सब छोड़ो, जाने दो, बट अभी इस टाइम फाइनली हमें उठानी है अपनी बुलेट। तो सबसे पहले बिलिंग के पेपर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ उतने टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम हुई है। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी हमें जो फेस करनी है कि पापा इस टाइम है बेंगलोर में और पेपर्स पे भी चाहिए साइन। पता करते हैं कैसे कैसे सब कुछ होता है, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले चलिए मेरे साथ शोरूम। हाँ तो भाई लोग, चलते हैं इनफील्ड के शोरूम में, लेते हैं अपना बिल और उठाते हैं जल्दी से अपनी बुलेट। अब दिक्कत तो मैंने आपको बता दी कि सिग्नेचर की दिक्कत तो आने वाली है, बट कोई ना, सहलेंगे थोड़ा सा। अभी अंदर चलते हैं, बात बात करते हैं, जैसा जैसा पूरा प्रोसेस होने वाला है वो सब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सीन है। अपनी बुलेट देख लेते हैं भाई, कम से कम दर्शन तो हो ही जाए अपने बुलेट के, बट थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा अभी हमें यहाँ पे, क्योंकि जिनसे हमारी डील हुई है वो अभी आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा काम था इस वजह से। जैसे कि आप सबको मालूम है, 1 अप्रैल से बुलेट के प्राइस में काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, तो उसी बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन चल रहा है। बाकी थोड़ा सा इंतजार हो रहा है, जल्दी से आए अपने पेपर वेपर ले और हम लोग जाए यार घर। काफी देर के बाद इन्होंने बोला चेसी नंबर अलॉट होने के बाद बिल मिलेगा, बढ़िया रही, तो मुझे पता था। चलो कोई ना, थोड़ा इंतजार और करते हैं, तब तक मैं आपको दिखाता हूँ अपनी फेवरेट गाड़ी। तो भाई लोग, ये है इंटरसेप्टर 650 डबल साइलेंसर ड्यूल चैनल ABS ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कॉन्टिनेंटल GT ज्यादा अच्छी लगती है या फिर लगती है इंटरसेप्टर। तो चलते हैं थोड़े से और इंतजार की साइड। भाई लोग, काफ़ी देर से सिर्फ वेट ही वेट हो रहा है और इस वेट वाले टाइम पर मुझे एक बहुत ज़बरदस्त गाना याद आ गया, शायद वो इस सिचुएशन में सूट कर जाए। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लगा वो गाना। इंतहा हो गई इंतजार की। तो इतना वेट करने के बाद और इतना सही सा गाना सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो चुका था, बट अभी तक हमने गाड़ी भी नहीं देखी थी, सोच रहे थे क्या करें क्या ना करें। भाई लोग, काफ़ी देर हो चुकी है क्योंकि इनका भी ट्रक उतरा था, तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ उतरी हैं सब, इनका रिकॉर्ड विकॉर्ड चढ़ेगा, फिर PDI चढ़ेगा, उसके बाद हमें PDI करने का मौका मिलेगा। काफ़ी झंझट है, काफ़ी टाइम ऑलरेडी लग चुका है यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटा 45 मिनट अभी तक हो चुका है यहाँ पे हमें। अभी तक हाल फिलहाल बस हम घूम रहे हैं, तो सबसे पहले चलते हैं, मैं आपको उसका जो जहाँ लॉट और जहाँ सामान रखा हुआ, जहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखी हुई वहाँ लेकर चलता हूँ सबसे पहले, फिर देखते हैं PDI के टाइम पर जैसा भी होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, गाड़ियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी है वहाँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। सारी की सारी गाड़ियां अनलोड हो चुकी हैं, तो सबसे पहले आपको नीचे की साइड जाके दिखाता हूँ सारी बुलेट। तो भाई, ये है सारी स्टैंडर्ड क्लासिक इलेक्ट्रा मीटियोर, सारी की सारी बुलेट यहाँ पे खड़ी हुई है, आप एक बार इनका पूरा लुक देख सकते हो। अपनी बुलेट तो मैं तभी दिखाऊंगा जब हम बुलेट की डिलीवरी लेने आएंगे। वैसे मैं सही बात बताऊँ यार, मैंने भी अभी तक अपनी बुलेट देखी नहीं है, पता नहीं कहाँ पर है, कहाँ रखी है, कुछ नहीं पता, बट यहाँ पर अभी सारी गाड़ियां की अनलोड हुई हैं। आई होप अब तक उन्हें चेसी नंबर मिल गया होगा। चलते हैं ऊपर, लेते हैं बिल, फिर बताता हूँ आपको सारी बातें। हाँ तो भाई लोग, बिल अपने को मिल चुका है, उस पर साइन वगैरह करवाने, अब यहाँ से मेरे को पोस्ट करना पड़ेगा बेंगलोर डैडी के पास, तब वो साइन करके देंगे, उसके बाद हमें गाड़ी मिलेगी। अब मैंने उसमें लेग गार्ड भी लगवाया है और जो सब चीजें हैं, जब हम गाड़ी उठाएंगे तब मैं वो सारी चीजें बताऊंगा, मैंने उस गाड़ी में क्या क्या लगवाया है, कौन सी वो गाड़ी, सब कुछ बताएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ आपको PDI कैसे करते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊं। देखते हैं जब भी हमें गाड़ी मिलती है, जब भी हमें वो देखने को मिलती है, हाल फिलहाल वो हमें देखने को नहीं मिली, उन्होंने कहा भैया अब रात होने वाली है और वैसे भी 7 बजने वाले हैं, तो सब कुछ बंद हो जाएगा अभी, तो आप इससे बेटर आप अगली टाइम देख लेना। मैंने कहा यार अब जो भी है चलो ठीक है, जाने देते हैं इस चीज़ को, बट अभी सिर्फ बिल मिला है, अभी कुछ दिन और लगेंगे गाड़ी के डिलीवरी में, थोड़ा सा वेट और करिए यार, बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोज को शेयर करते रहिए। हाँ तो भाई लोग, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, कोरोना के चक्कर में काफी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है इस बाइक को उठाने में, 1 अप्रैल में बुकिंग कराई थी, अभी तक नहीं मिली। मैं सोच रहा हूँ इतना वेट कर लेता, थोड़ा और वेट हो जाता तो शायद कॉन्टिनेंटल GT मिल जाती, बट अभी जाने दो, देखते हैं कैसा कैसा सीन अभी बैठता है। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी से जल्दी, देखते हैं गाड़ी की डिलीवरी हो जाए यार, बड़ा मन है, बने रहिए मेरे साथ, आगे के सारे प्रोसेस बताते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच।